मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन चिल्ड्रन. ओके चिल्ड्रन, लिसन, दिस इज योर इंग्लिश क्लास. प्लीज ब्रिंग योर इंग्लिश बुक, इंग्लिश रीडर. ओके, लिसन, टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 26. ओके, इन न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 26 इज एडेड, सो दैट फर्स्टली वी विल डू चैप्टर नंबर 26. आफ्टरवर्ड्स वी विल डू 25 एंड 24. ओके, so Neha in the forest. Okay, so I'm giving you 10 seconds to bring your book. Go and bring your book, hurry up. Okay, so let's start now the chapter Neha in the forest. Do you understand the meaning of Neha in the forest, children? Jungle mein kaun? Neha. Yes, jungle mein Neha. Alright? See the new words, children. Forest, living, lane, cute, soup. Okay. Now, the chapter, children. There was a big forest. See, this story is in पास्ट टेंस चिल्ड्रन. पास्ट टेंस क्या होता है? ये जो है ये था में स्टोरी चलेगा हमारा. देर वॉज अ बिग फॉरेस्ट मीन्स एक बड़ा सा जंगल था. ओके, मैनी एनिमल्स वेर लिविंग देयर. बहुत सारे एनिमल्स वहाँ रहते थे. लिविंग मीन्स रहना. मैनी एनिमल्स तो यू नो ना चिल्ड्रन, बहुत सारे एनिमल्स वेर लिविंग देयर. बहुत सारे एनिमल्स वहाँ रहते थे. ओके, द हाउस ऑफ टेडी बियर वॉज वेरी नाइस. सी द हाउस, कैन यू सी द हाउस इन द पिक्चर चिल्ड्रन? ओके, देर वॉज अ हाउस ऑफ अ टेडी बेयर. ओके, एंड इट वॉज वेरी नाइस. एक हाउस था टेडी बेयर का, बहुत सुंदर सा हाउस था. आप देख सकते हो पिक्चर में यहाँ पे चिल्ड्रन. यस, देर वॉज अ बिग हाउस नियर द फॉरेस्ट. और जंगल के नज़दीक में ही एक बड़ा सा हाउस था जहाँ पे नेहा रहती थी. नेहा वॉज लिविंग देयर. ओके, नेहा वहीं पे रहती थी. कहाँ पे चिल्ड्रन? जो बिग हाउस था ना नियर द जंगल, नेहा लिव्स देयर. नेहा लिव्ड देयर. नेहा वहीं पे रहती थी. ओके, नाउ टर्न द पेज एंड सी. नाउ नेहा इज सेइंग, व्हाट नेहा इज सेइंग, लेट सी. व्हाट अ क्यूट लिटिल हाउस. नेहा ने कहा, वाह क्या सुंदर क्यूट हाउस है. ओके, आई वॉन्ट टू गो देयर. मैं वहाँ जाना चाहती हूँ. नेहा वॉक्स डाउन द लेन. वो चली, रास्ते पे चली. ओके, द हाउस इज नियर द ट्री. वो हाउस कहाँ पे था? एक पेड़ के पास था. ओके चिल्ड्रन, कौन सा हाउस? जिसके बारे में हमने पिछले पेज में पढ़ा. ओके, नेहा नॉक्स एट द डोर. नॉक नॉक. नेहा ने क्या किया? दरवाज़ा खटखटाया. नॉक करना मीन्स यही होता है ना चिल्ड्रन. नेहा ने दरवाज़ा खटखटाया. नॉक नॉक, ऐसी आवाज़ आती है ना जब हम दरवाजे पे खटखटाते हैं. तो नेहा ने क्या किया? दरवाज़ा खटखटाया. ओके, नेहा, अगेन नेहा इज सेइंग समथिंग. लेट सी व्हाट नेहा इज सेइंग. ओके, नेहा, लेट मी एंटर द हाउस. नेहा ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि मैं अंदर आती हूँ हाउस के. आह, व्हाट अ नाइस सूप. और हाउस में क्या था चिल्ड्रन? घर में सूप था. नेहा ने उसको ट्राई किया, पी के देखा. ओके, और क्या बोली नेहा? वाओ, व्हाट अ सूप. ओके, सी हियर, व्हाट अ नाइस सूप. ओके, नेहा ड्रिंक्स द सूप. और क्या की नेहा? नेहा को सूप अच्छा लगा इसलिए नेहा पूरा सूप पी गई. नेहा ड्रिंक्स द सूप. ऑल राइट, सी इन द पिक्चर, यू कैन सी इन द पिक्चर वेरी क्लियरली. नेहा लाइक्स द सूप एंड शी इज ड्रिंकिंग द सूप. ओके, यस चिल्ड्रन, नाउ लास्ट पैराग्राफ. नेहा इज अगेन सेइंग समथिंग. नेहा, लेट मी स्लीप नाउ. अब नेहा ने सूप पी लिया तो उसको नींद आने लगी. तो नेहा कहती है कि अब मुझे सोना है, सोती हूँ. ठीक है, सी स्लीप्स ऑन द स्मॉल बेड. एक छोटा सा बेड था. सी अगेन, पिक्चर इज हियर. एक छोटा सा बेड था. नेहा क्या की? उस पर सो गई. यस, द सन वॉज सेटिंग एंड द बियर फैमिली वॉज कमिंग बैक. अच्छा, ये घर नेहा का तो था नहीं चिल्ड्रन, है ना? ये तो किसी और के घर में एक क्यूट सा हाउस था, वहाँ चली आई थी नेहा. तो अब क्या हो रहा था? शाम हो रही थी. सूरज जो है वो डूब रहा था. और जो टेडी बियर जो था, है ना, टेडी बियर फैमिली जो था ना, वो वापस आ गए. और नेहा आराम से उनके बेड पे सो रही. यू कैन सी ना चिल्ड्रन, आप देख रहे हैं ना पिक्चर के अंदर, यही हो रहा है ना. ओके,
सो ये था स्टोरी नेहा इन द फॉरेस्ट. ओके, हमने क्या पढ़ा इस स्टोरी में कि एक बहुत अच्छा सा जंगल था. ओके, देयर वाज अ जंगल, मेनी एनिमल्स वेयर लिविंग देयर, बहुत सारे एनिमल्स वहाँ रहते थे. ओके, एंड देयर वाज अ हाउस, अ क्यूट हाउस ऑफ टेडी बेयर, एक टेडी बेयर का बहुत सुंदर सा हाउस था. नेहा वेंट देयर. ओके, नेहा वहाँ जाती है, शी नॉक द डोर, उसने नॉक किया डोर को, और फिर क्या करती है नेहा अंदर जाती है. देयर वॉज अ बाउल विच इज़ फुल ऑफ सूप, बाउल रखा था टेबल के ऊपर, उसमें सूप था. नेहा ड्रिंक दैट, नेहा ने क्या किया उस सूप को पिया, बिकॉज सूप वॉज वेरी यमी, सूप जो था बहुत टेस्टी था, है ना. उसके बाद नेहा को नींद आ गई, सी स्लेप्ट देयर, वहाँ पे सो गई, है ना. और इतने में क्या हुआ, शाम हो गई और बेयर फैमिली जो है वापस से अपने घर आ गया. हमने इस स्टोरी में यही पढ़ा. यस चिल्ड्रन, नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू रीड द स्टोरी वंस फॉर रीडिंग प्रैक्टिस एट होम. ओके, यू हैव टू रीड लाउडली. ओके चिल्ड्रन, एंड इफ यू विल पिक एनी डिफिकल्ट वर्ड, वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू मार्क दैट विद पेंसिल, एंड इन लाइव क्लास यू विल आस्क इट फ्रॉम मी. ऑल राइट, ठीक है. आप क्या करेंगे, आप मुझसे पूछ लेंगे, मार्क करके रखिएगा अगर आपको कोई भी वर्ड डिफिकल्ट लगा हो, और फिर मुझसे पूछ लीजिएगा उस वर्ड का मीनिंग. ठीक है चिल्ड्रन, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर को, देन आई विल गिव यू आंसर्स ऑन बोर्ड. ओके, इन रिटन फॉर्म, देन यू विल कॉपी. ऑल राइट, फर्स्ट वी विल डिस्कस इट. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वेयर द एनिमल्स लिविंग, एनिमल्स कहाँ रहते थे. एनिमल्स वेयर लिविंग इन द जंगल. यस चिल्ड्रन, फॉरेस्ट. एनिमल्स जो है वो फॉरेस्ट में रहते थे ना, याद आ गया. एनिमल्स वेयर लिविंग इन द फॉरेस्ट. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, हु वॉज लिविंग इन द बिग हाउस, बड़े हाउस में कौन रहता था. नेहा वॉज लिविंग इन द बिग हाउस, नेहा रहती थी बड़े हाउस में, नेहा रहती थी, है ना. ओके, वॉट डिड नेहा ड्रिंक, नेहा ने क्या पिया था चिल्ड्रन. नेहा ड्रैंक द सूप, नेहा ने सूप पिया था. यस, वेयर डिड नेहा स्लीप, नेहा कहाँ सोई. नेहा स्लेप्ट एट द स्मॉल बेड, एक छोटा सा बेड था ना, उसी के ऊपर नेहा सो गई थी, याद है ना चिल्ड्रन. एंड लास्ट क्वेश्चन इज गेस हूज हाउस वॉज इट, किसका घर था ये, गेस कीजिए चिल्ड्रन. एनी गेसेस. इट वॉज टेडी बेयर्स हाउस. यस चिल्ड्रन, टेडी बेयर का हाउस था ना, जो कि शाम होते वो लोग लौट भी आए थे जहाँ नेहा सो रही थी. यस, इट वॉज टेडी बेयर्स हाउस. सो चिल्ड्रन, आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर इन रिटन फॉर्म. ओके, डोंट वरी, टूडे ओनली वी विल डिस्कस इट. ओके, आई विल गिव यू इन नेक्स्ट क्लास द क्वेश्चन आंसर, आई विल गिव यू इन नेक्स्ट क्लास. ओके चिल्ड्रन, टिल देन यू टेक केयर. ओके, एंड रीड द चैप्टर वंस लाउडली. ओके, फॉर रीडिंग प्रैक्टिस. ऑल राइट, एंड इफ यू विल फाइंड एनी डिफिकल्ट वर्ड, वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू मार्क इट विथ पेंसिल, एंड यू कैन आस्क मी इन एनी क्लास, एनी ऑनलाइन क्लास. ऑल राइट, सो टू और थ्री चैप्टर्स लेफ्ट इन इंग्लिश. यस चिल्ड्रन, वी विल डू इट वेरी सून, हम लोग जल्दी कर लेंगे इसको भी, ख़त्म हो जाएगा फिर हमारा, देन वी विल रिवाइज इंग्लिश. यस, सो डू इट चिल्ड्रन, रीड द चैप्टर एंड try to give answer of these questions orally. Okay, see, the question answer, we have to give the answer orally. Okay, I am giving you answers in written form, but we have to do these question answer orally. So after reading the chapter, you try to give answers orally. Okay, children, thank you for now, take care.